नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीटर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। एनकाउंटर के डर से संजय राणा ने एसएसपी दफ्तर में किया सरेंडर। चर्चित गोलीकांड में बुधवार को नाटकीय मोड़ आ गया। वो संजय राणा जिसे फायरिंग के बाद से पुलिस की कई टीमें तलाश कर रही थी, वो खुद ही एसएसपी दफ्तर पहुंच गया। बोला, मैं राजीव राणा का भाई हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। संजय राणा को एसएसपी ऑफिस के बाहर से पकड़कर पुलिस कार से ले गई। यह वही संजय राणा है जो फायरिंग के वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है। शायद उसे डर सता रहा होगा कि एनकाउंटर ना हो जाए, तभी उसने खामोशी के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस फायरिंग कांड में मुख्य आरोपी राजीव राणा समेत 2 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। 5 को मुठभेड़ में पकड़ा जा चुका है। राजीव राणा के होटल और घर तो दूसरे गुट के आदित्य उपाध्याय के आलिशान रिसोर्ट पर बुलडोजर चल चुका है। वहीं आरोपी बनाए गए पूर्व भाजपा विधायक पप्पू बरतौल के भाई रमेश मिश्रा का लक्ष्य रिसोर्ट भी सील हो चुका है। शाही में महिला की गला घोटकर हत्या, खेत में मिली लाश। शाही के गांव भुजिया जागीर में महिला की लाश खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की साड़ी से गला घोटकर हत्या की गई है। मंगलवार देर रात सूचना पर एसएसपी अनुराग आर, एसपी देहात मुकेश मिश्रा, पुलिस फोर्स, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। खास बात यह है कि इस घटना का क्राइम सीन बिल्कुल वैसा है जैसा पिछले साल शाही और शीशगढ़ इलाके में कई महिलाओं की हत्या के बाद था। उन सभी की हत्या भी साड़ी से गला घोटकर की गई थी। जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम अनीता था। वह शेरगढ़ के गांव होसपुर निवासी सोमपाल की दूसरी पत्नी थी। अनीता बीते सोमवार को मायके भुजिया जागीर आई थी। वहां से बैंक होते हुए ससुराल जाना था, लेकिन रास्ते में ही उसकी हत्या करके लाश खेत में फेंक दी गई। पुलिस ने मुठभेड़ में पर्स लूटने वाले 2 बदमाश दबोचे। 28 जून की रात स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में कार्यरत वरिष्ठ प्रबंधक नुपुर विश्वकर्मा की पल्सर सवार बदमाशों ने पर्स लूट ली थी। इनमें से एक बदमाश सोनू को कोतवाली पुलिस ने मंगलवार तड़के मुठभेड़ के बाद चौपला पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 2 फरार हो गए थे। मंगलवार देर रात एसओजी और बारादरी पुलिस की टीम ने दोनों बदमाशों कालीबाड़ी निवासी अमर सिंह यादव और रोबी यादव निवासी बदायूं को रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के पास मुठभेड़ में दबोच लिया है। बदमाशों से तमंचा, कारतूस और लूट का माल बरामद हुआ है। देखिए मामले में एसपी सिटी राहुल भाटी ने क्या जानकारी दी। थाना बारादरी में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें थाना बारादरी पर आईपीसी की धारा 392 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी 1 जुलाई 2024 को की जा चुकी है। अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर अन्य 2 अभियुक्तों की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम क्रमशः अमर सिंह यादव एवं रोबी यादव है। इन दोनों अभियुक्तों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से 2 अदद तमंचे, 1 मोटरसाइकिल TVS एवं लूट के रुपए व आधार कार्ड की बरामदगी हुई है। थाना पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर लूट, चोरी एवं मारपीट के लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अग्रिम कार्रवाई थाना बारादरी पर अमल में लाई जाएगी। बारिश से कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील। मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश बुधवार दोपहर 2 बजे तक होती रही। इससे शहर में कई जगह बारिश का पानी भर गया। मणिनाथ के नेकपुर और सुभाष नगर में जलभराव से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। टीएम रविंद्र कुमार ने बारिश के कारण शहर में विभिन्न स्थानों पर जलभराव होने की शिकायत प्राप्त होने पर नगर आयुक्त निधि गुप्ता वस्त और नगर मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला के साथ स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने सुभाष नगर और मणिनाथ इलाके में जलभराव की स्थिति देखी, समस्या का स्थायी समाधान कराने के निर्देश दिए। डीएम ने मुहर्रम के लिए तैनात किए 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट। डीएम रविंद्र कुमार ने मुहर्रम को लेकर 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है। मुहर्रम 7 से 17 जुलाई के बीच मनाया जाएगा। उन्होंने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस के आयोजकों के साथ बैठक करके तय कर ले कि ताजिए पूर्व निर्धारित रूट पर ही निकले, ताजियों का आकार और संख्या ना बढ़े, ताजियों के रूट जुलूस व कर्बला का भ्रमण करके जायजा लें और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करें, इसमें कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। भाजपा नेता को मिल रही जान से मारने की धमकी। रोहिली टोला निवासी शारिक अब्बासी भाजपा नेता हैं। उनकी पत्नी वार्ड नंबर 71 से भाजपा प्रत्याशी रह चुकी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी व बेटे पर साजिद सकलैनी, रईस, सब्बीर, नफीज और नजीब आजी ने जानलेवा हमला किया था। बीते साल 4 अक्टूबर को आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। अब आरोपी उन पर समझौते का दबाव बना रहे हैं, मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शारिक ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। महिला अस्पताल में कुत्ते चबा रहे थे नवजात की खोपड़ी। महिला अस्पताल परिसर में 2 कुत्ते नवजात बच्चे की खोपड़ी चबा रहे थे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
अस्पताल प्रशासन सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गया। कोतवाली पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि खोपड़ी बच्चे की है या बंदर की, यह कितनी पुरानी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पता चल सकेगा। नवाबगंज का योगेंद्र भावनाएं भड़काने में गिरफ्तार। फेसबुक पर मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक फोटो लगाने से एक युवक के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। बाद में उसकी पहचान योगेंद्र प्रकाश के तौर पर हुई। इसे लेकर दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन जमात रजाए मुस्तफा और रजा एक्शन कमेटी ने शिकायत दर्ज कराई। जमात के मोइन खान ने बताया कि इसे लेकर अफसरों से बात की। मामला नवाबगंज थाने का था। जिस युवक ने आपत्तिजनक फोटो लगाया है वो बरोर गांव का रहने वाला है। दरोगा योगेश कुमार की तरफ से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में RAC के मौलाना सलीम रजा नवाबगंज थाने पहुंच गए। उनका कहना है कि पुलिस पकड़े गए युवक का चालान शांति भंग में करने की तैयारी कर रही थी, तब इसे RAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी को बताया गया। उनके पुलिस के आला अधिकारियों से बात करने के बाद युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसी आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।